हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? यू आर वेलकम इन पी एन नेशनल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासरूम। यू नो वी वेरी वेल, माई सेल्फ अखिल कुशवाहा, योर फिजिक्स एजुकेटर। सो वी आर हियर फॉर क्लास एर्थ एंड चैप्टर इज गोइंग ऑन फोर्स एंड फ्रिक्शन। ओके, क्लास एर्थ का जो चैप्टर है फिजिक्स के पार्ट का, वो है फोर्स एंड फ्रिक्शन। इससे पहले मैंने आपको बता रखे हैं कि फोर्स क्या होता है, ठीक है ना? इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स में, और उस टाइप ऑफ फोर्स में फर्स्ट है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, ठीक है, ये चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? तो देखो, नॉन का मतलब होता है नहीं, ना ना, ठीक है ना? कॉन्टेक्ट का मतलब होता है संपर्क। देखना भाई, संपर्क, ठीक है ना? हिंदी हमको नहीं आता है, ठीक है? और फोर्स का मतलब होता है बल। संपर्क कैसे थे? पर्क, संपर्क, ठीक है ना? या फिर कांटेक्ट का मतलब होता है छूना, टच करना, ठीक है ना? लगा हुआ, जुड़ा, जुड़ा, जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, सुनो, ना जुड़ा हुआ बल, टच ना करता हो, बिना टच किए। तो इसको सीधे नॉन कांटेक्ट का मैं मतलब लिख देता हूँ, बिना बिना छुए, बिना छुए, ठीक है ना? बिना छुए बल लगना, ठीक है ना? तो ये हिंदी अपनी अलग बात है, उसको ज़्यादा आप माइंड मत करिएगा। तो मैं बस समझाना चाह रहा था कि इस तरह का टाइप्स ऑफ फोर्स विच इज अप्लाइड विदाउट टचिंग अ बॉडी, बिना किसी बॉडी को टच किए जो फोर्स लगता है उसको हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। कैसे? जैसे अगर हम जैसे इस पर फोर्स लगा रहे हैं, देखो इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको हमको टच करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है ना? तो ये टच है, ये कॉन्टेक्ट फोर्स है। लेकिन बिना कॉन्टेक्ट किए फोर्स लग जाए तो जादू हो जाएगा भाई, हम ऐसे हाथ करें और वो गिर जाए, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। लेकिन अर्थ पे ऐसे फोर्स अवेलेबल है, आपको पता नहीं है। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, कर्षण बल, हिंदी में इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? देखो, आप चलते हैं, करते हैं, जो भी पृथ्वी पर रहते हैं, जैसे कोई भी चीज हम ऊपर फेंक रहे हैं, देखो ये चीज ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे आ रहा है, देखो ऊपर फेंक रहे, नीचे आ रहा है। न्यूटन ने इसी चीज का क्या किया था? डिस्कवर किया था, डिस्कवरी किया था। न्यूटन ने ही बताया था, जैसे ये चीज, कोई भी चीज क्या हो रही है, ऊपर से नीचे जाती है, किसके वजह से जाती है? तो इस पर जो फोर्स लग रहा है, ऊपर से ये बॉडी नीचे जा रही है, ऊपर से ये बॉडी नीचे जा रही है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो क्या ये फोर्स आपको टच किया जाता है? नहीं, टच नहीं ना करता है। आप अगर गिरते हैं तो सीधे नीचे गिरते हैं, आपको पकड़ के खींचता थोड़ी ना, आपको पकड़ के कोई धक्का थोड़ी ना देता है। जैसे ये बॉडी कोई गिर रही है, ये बॉडी ऐसे ऐसे छूने पर यहाँ नीचे गिर रही है, तो क्या इसको ऐसे टच करके नीचे फेंका जा रहा है? क्या नहीं फेंका जा रहा है? इसको तो फ्रीली यहाँ छोड़ दीजिए, नीचे गिरेगी। आप फ्रीली ऐसे छोड़ रहे, नीचे गिर रही है, गिर रही है ना? तो ये जो फोर्स बिना टच किए लग रहा है इस पर, वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है? और ये जो होता है, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव, 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 ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, हमेशा, हमेशा और हमेशा अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो आप, आपका शरीर हो, चाहे ये पेन हो, चाहे पेपर हो, चाहे ग्लास हो, चाहे वुड हो, कोई भी चीज नीचे फेंक दो, नीचे चला, नीचे ऐसे छोड़ो, फ्री ऊपर ले आके फ्री छोड़ दोगे ऐसे नीचे, तो नीचे गिरेगा, ठीक है ना? देखो ये गिर रहा, गिर गया ना नीचे, तो अब जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा, ठीक है ना, नीचे गिरा तो इसका मतलब ये कहाँ जा रहा है? कोई ना कोई फोर्स लग रहा है इस पर, तभी तो ये नीचे जा रहा है। अगर आप फोर्स लगा के इसको ऊपर फेंकते हैं, फिर ऊपर थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से नीचे आने लगता है, तो नीचे जो इसको बार बार नीचे की तरफ खींच रहा, आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, वही फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। और हमेशा लगेगा, ऐसा थोड़ी, ऐसा कभी नहीं है कि इस पर लग रहा है और प्लास्टिक पर नहीं लगेगा, आपके बॉडी पर लग रहा है और ऊट पर नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बॉडी भी गिरेगी तो नीचे गिर जाएगी, प्लास्टिक भी नीचे गिरेगी, ठीक है ना? कोई चीज ऊपर से नीचे छोड़ दो तो नीचे ही गिरेगी,
ठीक है ना। तो यही फोर्स आपके क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको न्यूटन ने बताया था, डिस्कवर किसने किया था, न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन। इनका पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है ना। ये थे सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो सर आइजैक न्यूटन ने ही बताया था कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। तो इन्हीं को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स। इन्हीं को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स। कौन है फादर ऑफ फिजिक्स, तो न्यूटन को ही फादर ऑफ फिजिक्स का। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे पृथ्वी है, सन के चारों तरफ घूमती है, सारे ग्रह चारों तरफ सन के घूमते हैं, तो किस फोर्स से घूमते हैं, किसके वजह से घूमते हैं, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही घूमते हैं, ठीक है। चंद्रमा है पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है, रूम रिवॉल्व करता है, आपको बताया गया होगा। तो वो किसके वजह से रिवॉल्व करता है, किस फोर्स से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे, उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक दूसरे पर सब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। बाद और भी ज़्यादा फोर्सेज हैं, ऐसा है तो वो आपके बड़े बड़े, जब आप बड़े क्लास में चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर बताया जाएगा कि कौन कौन से और से फोर्सेज लगती हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या पढ़ाया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बारे में। तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी 6 गुना कम ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है ना। अगर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स 10 है तो वहां पर 10/6 हो जाता है, यानी 6 गुना कम होता है। वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स उतना नहीं है जितना पृथ्वी पर है। पृथ्वी का 6 गुना कम ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, चंद्रमा पर लगता है, ठीक है। तो ये है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ इंट्रोडक्शन है आपका इस चैप्टर में, ठीक है ना। नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसे, जैसे क्या होता है कि अभी आप क्लास में, इससे पहले कभी क्या कुछ देखते होंगे, कुछ बच्चे क्या करते होंगे, छोटा छोटा पीस कागज का लेते हैं और तोड़ के उसके बाद पेंसिल से ऐसे रब करते हैं अपने पेंसिल को बॉल से, और फिर ऐसे ले जाते हैं, ले जाते हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे कागज का टुकड़ा क्या करता है, उस पेंसिल पर अट्रैक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये जो पेंसिल और कागज के बीच में फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। वही फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में, यही सीबीएसई के क्लास 12th में इसको डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है कि ये जो कागज वाला जो फोर्स लग रहा है, जैसे आप क्या करते हैं, छोटा छोटा पीस का कागज लेते हैं और फिर पेंसिल लेके उसको ऐसे रगड़ लेते हैं, तो क्या होता है, वो कागज के टुकड़े क्या होते हैं, पेंसिल पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है, बस इतना ही है। उसके बाद जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, वो आता है मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स आता है, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, देखो मैग्नेट तो सभी ने देखा होगा, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा बच्चे खेलते भी है ना। तो मैग्नेट क्या करता है, दूर से ही किसी लोहे को उसके पास ले जाओ तो दूर से ही उसको अट्रैक्ट कर लेता है। टच करता है क्या, नहीं करता है, लेकिन दूर से उसको खींच लेता है, खींच लेता है ना। या फिर दूसरा मैग्नेट, एक मैग्नेट के पास रखो तो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो रिपल कर देता है दूर से। तो ये जो फोर्स लग रहा है उसको रिपल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, रिपल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, या तो रिपल करेगा दूसरे मैग्नेट को या फिर अट्रैक्ट करेगा। लोहे की चीज रखोगे तो हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये जो अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन होना है, ये जो फोर्स लग रहा है दो मैग्नेट हो या फिर उनके बीच में, तो ये ही फोर्स क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये तीन तरह के जो फोर्सेज है, यही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इन तीनों फोर्सेज में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता बॉडी से, ठीक है ना। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को कभी कॉन्टैक्ट नहीं करता है, लेकिन दोनों आपस में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, नहीं तो रिपल्शन लगाता, दूर से ही लगाते हैं। अर्थ भी क्या करती है, आप पर फोर्स लगा रही है, आपको टच नहीं की है, ठीक है ना। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी क्या होता है, कागज और पेंसिल में के बीच में क्या होता है, कॉन्टैक्ट नहीं होता है, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं होता है, लेकिन दोनों पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो ऐसे ही फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। और इसमें तीन फोर्स आते हैं, कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी चीजें जो आपको नहीं समझ में आती है तो कृपया करके
प्लीज आप हमसे कांटेक्ट करिए, ठीक है ना, क्लासरूम में कांटेक्ट करिए, कंसल्ट करिए, आपकी जो प्रॉब्लम है आपको दूर की जाएगी। और बुक है आपके पास, उसमें भी दिया है, बुक को पढ़िए, उसमें जो भी दिया चीजें दी हैं आप हमसे पूछिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, थैंक यू।